सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी कोटे में जाट आरक्षण शामिल करने के पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है, यानी अब जाटों को केंद्रीय नौकरियों में आरक्षण नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरक्षण की बुनियाद जात नहीं होना चाहिए। कोर्ट के मुताबिक जाटों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब नहीं है कि उनको आरक्षण दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण के लिए पिछड़ापन सामाजिक होना चाहिए, आर्थिक नहीं। इधर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए जाट नेता यशपाल मलिक ने कहा कि वे इस मामले पर रिव्यू पिटीशन लेकर आएंगे और संविधान संशोधन की मांग करेंगे। गौरतलब है कि यूपीए सरकार के दौरान ये फैसला लिया गया था, जिसे मोदी सरकार ने भी जारी रखा था। बता दें कि साल 2014 में जाटों को ओबीसी में शामिल किया गया था, तो 9 राज्यों में जाटों को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण मिलने लगा था, लेकिन इस फैसले से अब जाटों को 9 राज्यों में केंद्रीय नौकरियों में आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी। हालांकि स्थानीय नौकरियों में आरक्षण लागू रहेगा। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट।